ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आजाद भारत में अगर पहली कोई हत्या की कोशिश हुई है किसी नेता की, हाँ, तो वो सरदार पटेल की हुई थी। और सरदार पटेल की हत्या की कोशिश की थी दिल्ली के मुसलमानों ने। और क्यों की थी वो भी बताना पड़ेगा। वो बताना ये है कि दिल्ली के मुसलमानों ने पूरी तरह से अपना एक पूरा आर्टलरी तैयार कर रखी थी और ये सब छापों के अंदर मिलती थी। और सरदार पटेल निष्पक्ष भाव से, उनकी गोलीबारी में हिंदू भी मारे जा रहे थे और मुसलमान भी मारे जा रहे थे, निष्पक्ष होके धर्मनिरपेक्ष होकर वो अपना राजधर्म का पालन कर रहे थे। तो वो दंगे पूरी तरह से रोक रहे थे। तो ऐसे ही दंगा के रोकने के लिए जब वो पहुंचे तो डॉन अखबार का, उस वक्त एक दिल्ली के अंदर ब्यूरो होता था आजादी के बाद भी, डॉन अखबार जो पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का अखबार था उसका एक ब्यूरो होता था, उस बिल्डिंग से सरदार पटेल पर दो गोलियां चलाई गई जो उनकी बिल्कुल पास से छूती हुई, करीब करीब पास से निकली। और इस बात का वर्णन वी शंकर ने किया। वी शंकर ICS अधिकारी थे और सरदार पटेल के बेहद करीबी थे और सरदार पटेल के सेक्रेटरी रहे वो, और उसी कार में से निकले थे, उनके कार से वो बाहर निकले थाने में, दो गोलियां चलाई गई।